और वो घर में जब आता था गांव से उसके बाबा आते थे धोती कुर्ता गमछा डाले हुए, वो सोचता था मेरा बाबा जेंटलमैन है, मुझे तो जेंटलमैन बनना है। और फिर वो दौर शुरू हो गया जब हमारे लोग सूट बूट पहन जाने लगे इंग्लैंड, वो दौर आया मेरे मानस से हम अंग्रेज बनने लगे। हिंदुस्तान आजाद हुआ, यहाँ के मनीषियों ने यहाँ के विद्वानों ने मांग रखी सरकारों से कि ये एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। वर्षों चलते रहे, मजाक पुराना मजाक, ये हमारे संस्कार जो हमें किए जा रहे थे। आप भी नहीं सुने होंगे आधे से ज्यादा लोगों ने खुल के स्वर्णी जो है वह महान नहीं पढ़ाया गया। गांधी को कितने लोग जानते होंगे, गांधी कौन थी, अपना कौन थी, अब कौन सी शिक्षा नहीं आ रही है। शायद आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा टीवी पर कि महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति सार्वजनिक पार्क में रखी जा रही है, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं कि सुने रखा जाएगा यहाँ पर। जिस वीरांगना ने अंग्रेजों से चुनौती दी थी, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसकी मूर्ति नहीं लगने देंगे, ऐसे लोग भी खड़े होते हैं। ये शिक्षा नहीं है, शिक्षा संस्कार देती है, शिक्षा रोजगार देती है, शिक्षा तकनीक देती है, तकनीक दे रही है आपको वर्तमान ऐसी भी करती है। दिशा बदलनी होगी और दशा भी बदलनी होगी। हमारा नेता विजन रखता है, विजन तैयार करता है, राष्ट्रवादी विचार हमारे अंदर आने चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, बात मत कर लो, काम मत कर लो, लेकिन उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बगल वाले को। आपको नहीं सुनना है कोई बात नहीं, लेकिन बगल वाले को सुन दे यार। तो पकड़ जाता है बोलने वाले को जिस पुलों में चलता है ना, तो इसलिए हमको कहां ले जाना है देश को यह सोचना होगा। 10 साल पहले विकासशील भारत राष्ट्रों में भी निचले पायदान पर था हिंदुस्तान, आज जो 11वें नंबर पर इकोनॉमी थी 5वें नंबर पर आ चुकी है। उस ब्रिटेन को पछाड़ चुके हैं हम लोग 10 साल के अंदर, जिसने कभी हम पर हुकूमत नहीं की। अब उन्होंने विकसित डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में हिंदुस्तान को लाना है, बड़ा संकल्प है। आप सबको अपनी अपनी भूमिका तय करनी होगी। तो नहीं योजना जी को कितनी बार मैंने सफाई और एडजस्ट करते थे उनको किसी न किसी तरह। वो सेवा भाव बिकॉज मेडिकल नॉट प्रोफेशन इट इज मिशन, प्रोफेशन होना चाहिए क्योंकि आज का जमाना भौतिकवादी है, लेकिन मिशन को नहीं भूलना चाहिए हमको कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए। और ये इसको मुझे बहुत होता था उस समय भाषण में कहने पर, ये समय वो था कि ऐसे मेडिकल कॉलेज का उठाना पसंद नहीं करता था, आज पहली चॉइस यदि कोरोना काल में कोई बता रहा है तो ऐसे मेडिकल कॉलेज बता रहा है। यहाँ के जो पिछले दौरान बदलाव आया, वरना वो सीन भी मैंने यहाँ पर देखा कि जब मैं 2017 में दोबारा विधायक बना और मैंने पहल दिया, संकल्प लिया कि ऐसे मेडिकल कॉलेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, शंकर जी से उस समय थे, उनसे मिला, फिर हर्षवर्धन जी से मिला, मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लेकर आया, डिप्टी सीएम को 2 बार लेकर आया, सब बताया, एक योजनाएं थी उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। ये लेडी लाइन को इससे जो मर्ज किया है वो खुशी का एक अंग था। तो वो जो एक दौर बना, तो उससे पहले का बता रहा हूं कि जब मैं देखने आया था यहां पर तो गर्ल्स हॉस्टल की कुछ बच्ची आई मेरे पास कि सर जरा हमारा हॉस्टल देखिए।
मैंने कभी हॉस्टल देखने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देखने आया कि कौन सी बिल्डिंग गिरा के क्या बनना चाहिए या क्या क्या है। डॉक्टर सरोज की सर मैं सुनता हूँ जी सर, देखिए एक मिनट। तो मैंने डॉक्टर से कहा चलिए आप आगे आगे पहले आप चलिए तो मैं चलूंगा। उससे शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती थी कि गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में दरवाजे उसमें बाथरूम में दरवाजे नहीं, इतनी वाहियात स्थिति थी। उससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी? मैंने मैडम से पूछा आपने उस सरकार को लिखकर नहीं भेजा गया? उससे पहले सत्ता से पहले इनकी सरकार की मैं राजनीतिक भाषण दूंगा आप जानते हैं, तुमने लिख के भेजा था सर, वो कहते हैं पर पढ़ने नहीं है। सब मेरे मुंह से निकला था सैफई में मुंबई वालों पे ठुमके लगाने के लिए फंड है, यहाँ की लड़कियों के हॉस्टल में बाथरूमों के दरवाजे के लिए फंड नहीं है, ऐसी जैसी सरकारें आई थी। और उसी दिन मैंने अपने मित्र हमारे हैं कुछ ऐसे जिनको बुलाया, मैंने कहा आप अपने पैसे से, क्योंकि सरकारी काम थोड़ा देर में होता है, अपने पैसे से यहाँ पर दरवाजों की व्यवस्था कराइए। और तीसरे चौथे दिन से काम शुरू कराया, लोगों ने राहत मिली, अब तो खैर काफी बदलाव है। उसमें आपके प्रिंसिपल साहब की योगदान है, हम सब लोग लगे सरकारी तंत्र अपने ढंग से रखता है लेकिन जब समाज खराब होता है तब सरकार ठीक से चल पाती है। तो आपको तकनीक से जोड़ा है, उसी के तहत आप लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे इस देश के लिए। तो मैं काशी गया था 3 दिन पहले, सुना के आया काशीवासियों को शायद ही कोई नेता मंच से इतना कड़वा बोल सकता होगा। मैंने कहा कौन सी शख्सियत चुनाव लड़ रही थी आपके यहां? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व चुनाव लड़ रहा था और आप उस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के जाति तत्व में, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति चुनाव लड़ रही थी आप उसको बिरादरी के तराजू में तोड़ रही थी। जिसने पूरे देश का सम्मान बदल दिया, स्वाभिमान पाताल यान है समुद्र तल से लेके चांद और सूरज तक देश के पहुंचा दिया, रोशन कर दिया नाम, आप उसको कहां तोड़ रहे थे? आप लोग सब नौजवान हैं, राष्ट्र को किधर ले जाना है ये सोच रहा, जाति राष्ट्र को किधर ले जाना, अपने कर्तव्य से अपने व्यक्तित्व से ये आपको अहद लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। उस मोदी को एक किस्सा सुनाऊं आपको डॉक्टर साहब, जब हमको पेरिस भेजा गया योगी जी के द्वारा, बड़े दिलचस्प बात है लेकिन मन को छूने वाली बात है, सुनिए आप लोग। तो मुझसे मेरे हमारे जीजाजी भी 25 साल पहले पेरिस गए होंगे, उस समय उन्होंने कहा पेरिस जा रहे हो, वहां पर हिंदुस्तानी को एकारत से देखा जाता है, उपेक्षा से देखा जाता है, आप कहोगे आई एम फ्रॉम इंडिया तो गर्व आ गई। मैंने कहा हमको तो इन्वाइट करना है, इन्वेस्टर्स को यूपी को प्रोस्पर्स बनाना है, इकोनॉमी में लाना है, उसके लिए योगी जी ने भेजा है, देखते हैं क्या होता है। और बातचीत की इन्वेस्टर्स से, सुबह से शाम तक इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग चलती रही, दूसरे दिन भी चली, मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ कि ऐसे कुछ फीलिंग होगी जो उन्होंने बताई है 22 साल पहले की अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो मैंने कहा उनसे एक से पूछा कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन यूपी, मुझे वो भी इस दिया ये था सेंटर जो भी आपका आपका मुंह है क्योंकि मेरे बिना तरीका है कि अब ऐसे दे दो, चाहे देश का भ्रष्टाचार करे, जगत का भ्रष्टाचार करे।
उपदेश का वचन डाले। आगे सुनिए कि फिर मैं शाम को पेरिस का परफ्यूम मशहूर है तो मैं वो ले लेके आना था, चलो ले लिया जाए थोड़ा सा। कुछ हमारे मित्र डॉक्टर से पूछे भाई रवेली वो मेरे लिए क्या लाए, मुझे लगा ऐसा तो बुखार का ऐसा ना पूछा नहीं मुझसे, तो लिए कुछ। देखिए वहां के लोगों की बात, जब मैं दुकान में जाता हूं तो सेल्स गर्ल्स ने मुझसे पहले फ्रेंच लगा, वो तब तक इंग्लिश में बात नहीं करती है या करते हैं जब तक उनको लगे सामने वाला फ्रेंच जानता नहीं, मतलब फ्रेंच होगा, ये उनका स्वामी। मैंने कहा आई नॉट नो फ्रेंच, मुझे एक चक्कर लगा जिया जी का और एक चूंकि मैंने यहां से राष्ट्रीय का सीख लिया वहां का स्वाभिमान, मैंने कहा फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मोदी सुंदरी, वेलकम वेलकम, ये दिया है मेरे। जाति के तरह ये तक काशी की काशी को सुना कर।